मुझे 3 मिनट दिया गया है, मेरे लिए तो बहुत समय है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है 30 सेकंड के अंदर अंदर मैं पार्टी का पूरा स्टैंड टेलीविजन चैनल पे रख दूं। तो आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि मुझे 3 मिनट दिए गए हैं, क्योंकि महिला हूँ और महिला होने के नाते मैं सोचती हूँ मेरा दायित्व ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करूँ। 2014 में बहुत सारी बातें की गई थी महिला सशक्तिकरण को लेकर, बहुत सारे चीजें कही गई थी, वादे किए गए थे, और आज हम देख रहे हैं वो सभी वादों को लेकर किस तरीके से मोदी सरकार असफल रही है। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी उन्होंने, अपने मैनिफेस्टो में रिजर्वेशन की बात कही थी, और आज तक वो रिजर्वेशन का मुद्दा जो एकदम से ज्वलंत मुद्दा था 2014 में, वो कहीं ना कहीं ये पूरी सरकार भूल चुकी है। उसी से साबित होता है कितनी ये सरकार जुमलेबाज सरकार रही है। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने कही हैं महिलाओं को लेकर बनाई हैं, मैं बस 2-3 इनकी योजनाओं को बताना चाहूंगी। उज्ज्वला योजना की ये बहुत बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हमने महिलाओं के घर पे चूल्हे हटाकर गैस सिलेंडर्स लगाए। एक बार वो गैस सिलेंडर तो लगा दिया, उसको रीफिल करने की जिम्मेदारी सरकार ने नहीं सोची। आज वही चूल्हे जो खत्म किए उनके घरों में, वो गैस के सिलेंडर भी नहीं पूरे कर पा रहे हैं, और गैस के सिलेंडर के साथ साथ महंगाई इतनी बढ़ाकर जो घर में चूल्हे भी जलते थे वो भी खत्म कर दिए हैं इस सरकार ने। और वो क्यों खत्म किए हैं? अपनी बगैर सोची बगैर समझे 2 नीतियां लाकर, जहां पे सिर्फ 2 नीतियां जो उन्होंने जहां थोड़ी अकल लगाई होगी, एक है नोटबंदी और GST। नोटबंदी के कारण कितनी नौकरियां गई हैं आप सभी उसी से परिचित हैं, और काफी इस पर बात हो चुकी है, और आप सब इससे भी परिचित हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी गुड एंड सिंपल टैक्स की बात करते हैं। आज हर इंटरनेशनल रिपोर्ट यही बताती है कि गुड एंड सिंपल टैक्स ना होकर वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टैक्स बनकर रह गया है, और जो खर्चा आम आदमी के जेबों पर पड़ रहा है वो आप सभी इससे वाकिफ हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहूंगी, महंगाई की मार कर रहे थे, बात कर रहे थे, आज एक सिलेंडर भी 322 रुपए से ज्यादा भर चुका है, एक महिला अपना घर किस तरीके से चलाती होगी उसी से सबको समझ आ रहा है कितना इनको महिलाओं के बारे में सोच है या समझ है। बेटी बचाओ, मेरा समय खत्म हो गया है, मुझे आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द टाइम अलॉटेड टू मी, I would like to thank everyone for giving me this opportunity. Jai Congress, Jai Hind.